तो नॉइस के दो लेटेस्ट वायरलेस ईयरफोन्स हमारे पास आ चुके हैं, नॉइस बर्ड्स VS402। तो लॉन्चिंग प्राइस इसकी होने वाली है 1500 रुपए, कुछ दिनों बाद इनकी प्राइसिंग इंक्रीज होकर हो जाएगी 2000 रुपए। अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो उनका परचेस लिंक नीचे पे अवेलेबल है। तो 1500 के अंदर आप एक ऐसा ईयरफोन परचेस करना चाहते हैं जो म्यूजिक एंड गेमिंग दोनों पर्पज के लिए यूज हो सके, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दो ईयरफोन हमारे पास आए हुए हैं, दोनों सेम कलर में है, नियॉन ब्लैक। बॉक्स पर नॉइस बर्ड्स VS402 की ब्रांडिंग है, पीछे के पार्ट में इनके फीचर्स मेंशन किए गए हैं, प्राइसिंग यहाँ पे मेंशन है 4000 रुपए। तो अब इनकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। ना रामपुरी हम ऑन कर लेते हैं। सबसे टॉप में एक बॉक्स है, इसके अंदर है इसके डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे है एक बॉक्स, बॉक्स के अंदर है टाइप सी केबल एंड कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर कैप्स। ये रहा मेन चार्जिंग केस। तो ये रहे दोनों चार्जिंग केस। चार्जिंग केस को हम देखें तो ब्लैक एंड ग्लॉसी फिनिश में चार्जिंग केस आता है, लुक वाइज काफी प्रीमियम लगता है। टॉप पार्ट में नॉइस की ब्रांडिंग है, फ्रंट पार्ट में एलईडी इंडिकेटर है, पीछे के पार्ट में टाइप सी पोर्ट दिया गया है इसको चार्ज करने के लिए। एंड स्लाइड करके ओपन होते हैं दोनों ईयरफोन्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ईयरफोन्स इसके मैट फिनिश में आते हैं, पीछे के पार्ट में इनका टच सेंसिटिव एरिया है। वेट हम चेकआउट कर लेते हैं। सिंगल ईयरफोन का वेट है तकरीबन 5 ग्राम, विद चार्जिंग के 63 ग्राम। तो ड्राइवर साइज है इनका 10 mm। दोनों ईयरफोन्स आपको तकरीबन 7 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है नॉर्मल यूजेज में। एंड चार्जिंग केस से आप इन ईयरफोन को लगभग 4 से 5 बार और चार्ज कर सकते हैं, तो टोटल प्ले टाइम यहाँ पे हो जाता है 35 आवर का। IPX5 रेटेड है, तो हल्के फुल्के वाटर स्प्लैश एंड स्वेट से इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। एंड कनेक्टिविटी के लिए इसमें दिया गया है ब्लूटूथ 5.3। अब इसको अपने फोन के साथ पेयर करके हम चेकआउट कर लेते हैं। तो पेयर करने के लिए आपको सिर्फ इसके लीड को ओपन करना है एंड ये पेयरिंग मोड पे चले जाते हैं। कंपनी ने इसमें फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट प्रोवाइड किया है। नॉइस बर्ड्स VS402 पेयर। तो ईयरफोन सक्सेसफुली पेयर हो चुका है, साथ ही ईयरफोन का बैटरी लेवल भी आप अपने फोन पे चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी ने सिर्फ इसमें SBC कोडेक का सपोर्ट प्रोवाइड किया है, AAC कोडेक का सपोर्ट हमें इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं ईयरफोन्स के साउंड आउटपुट की। तो कंपनी ने इसमें 10 mm के ड्राइवर्स का सपोर्ट प्रोवाइड किया है, तो बेस आउटपुट इसका काफी मुझे हैवी लगा। तो अगर आप एक बेस लवर है तो डेफिनेटली आपको ये पसंद आ जाएगा। ट्रेबल्स इसकी ज्यादा शार्प नहीं है, थोड़ी सी दबी भी आती है क्योंकि यहाँ पे लो एंड फ्रीक्वेंसी यानी बेस को काफी बूस्ट किया गया है। वोकल्स इसके क्लियर है, ज्यादा शार्प आप नहीं बोल सकते, डिसेंट आप बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेस को काफी बूस्ट किया गया है। तो हाईज एंड मिड्स थोड़े से दबे हुए आते हैं, तो अगर आपको बेस ज्यादा पसंद आता है तो आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बात करते हैं गेमिंग में कैसा है, परफॉर्म करते हैं। तो कंपनी ने इसमें लो लेटेंसी का सपोर्ट प्रोवाइड किया है, एंड लेटेंसी इसकी कितनी है कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। तो अगर आप नॉर्मल कैजुअल गेमिंग के लिए यूज करते हैं तो आपको लेटेंसी फील नहीं होगी, काफी परफेक्टली आप गेमिंग कर सकते हैं। बट अगर आप एक प्रो लेवल की गेमिंग करते हैं तो आपको फिर भी हल्की सी लेटेंसी फील होगी, कैजुअल गेमिंग के लिए परफेक्ट है। तो कंपनी ने इसमें ENC का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है, यानी एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। तो कॉलिंग के दौरान आपके आसपास जितनी बैकग्राउंड नॉइसेस हैं उसको काफी हद तक कट कर देता है। तो अब जो आप साउंड सुन रहे हैं इसके माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हैं, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट वाले ईयरफोन का माइक्रोफोन यूज करता है। मेरा रूम अभी टोटली साइलेंट है, सिर्फ AC मेरा ऑन है। तो अब मैंने फैन को भी फुल 5 नंबर पे ऑन कर दिया है, तो आपको आइडिया मिल रहा होगा कि आपको विंडी सिचुएशन में कैसा इसका माइक आउटपुट मिलने वाला है। तो अब इन द लास्ट बात आती है कि आपको ईयरफोन्स को परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो 1500 रुपए के हिसाब से कंपनी ने फीचर्स इसमें काफी अच्छे प्रोवाइड किए हैं, बैटरी लाइफ इसकी काफी अच्छी है, बेस काफी अच्छा है, लुक वाइज भी काफी अच्छे लगते हैं, गेमिंग मोड एंड लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 का इसमें सपोर्ट है। तो अगर 1500 रुपए के अंदर आप ऐसा ईयरफोन परचेस करना चाहते हैं जो गेमिंग एंड म्यूजिक दोनों पर्पस के लिए यूज हो पाए, जिसका बैटरी बैकअप अच्छा हो, जिसमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिले, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बट इसका एक कॉन भी मुझे लगा, इसमें कंपनी ने IPX5 की रेटिंग दी है, अगर यहाँ पे 7 की रेटिंग दी होती तो और भी बेटर होता। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आपको ईयरफोन्स कैसे लगे, क्या आप इन्हें परचेस करना पसंद करेंगे, एंड इनसे रिगार्डिंग अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी डाउट्स का आंसर करता हूं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।